और ये आप देखिए दाल है और ये आपका 10 किलो ये है आलू आलू ठीक, और ये आपकी लौकी है, तेल ना रहेगा चलो पूछना, लेकिन भगवान भेज देंगे नहीं भेज देंगे। दोस्तों जय हिंद, मेरा नाम है जयवीर और आप इस वीडियो के माध्यम से देखते रहते हैं कि सहायता फाउंडेशन परिवार की मदद होती रहती है। और दोस्तों बात की जाए, कल हम इधर बेलसी से जा रहे थे, बेलसी मतलब कोठी जा रहे थे, और एक परिवार हमने देखा, हम फाउंडेशन की टीम, हमारी जितनी भी फाउंडेशन का परिवार है और उसकी मदद करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कल देखा उस परिवार में, हम और आलोक अचानक वहाँ पहुँचे और देखा कि एक माता जी बैठी थी और एक कटोरी में रोटी खा रही थी। हमने देखा कैसे रोटी किस तरह खा रही, उसमें मतलब सूखी रोटी थी, पानी से भीगी हुई। हमने पूछा माता जी ऐसे आप खाना क्यों खा रहे, तो माता जी ने बताया कि बेटा आटा था नहीं हमारे पास, और 2 दिन से आटा नहीं था, और हम टिकरा गए थे मांगने के लिए आटा, और वहाँ से आटा लेके आए थे, और आटा मतलब मिला तो था लेकिन उसमें कीड़े पड़े थे, और कीड़े निकाल कर हमने उसको बनाया, लेकिन अभी भी इसमें ला रही है मतलब गंध आ रही है, तब भी हम खा रहे हैं क्योंकि बेटा हमारे पास कुछ है नहीं। तो हमने सोचा कि दादा इतनी दर्दनीय है, मतलब इतनी कंडीशन इतनी ख़राब है कि बेचारे उनके पास खाने का कुछ नहीं है। और हमने पूछा माता जी आपने बाज़ार कब से नहीं की, तो बताया बेटा कई हफ्ते हो गए हम लोगों ने बाज़ार वगैरह नहीं किया क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग बाज़ार कर सके और कुछ अच्छा खा सके। तो हम और हमारी सहायता फाउंडेशन टीम को जैसे हमने सूचना दी, तो कहते हैं ना कि हमारा एक सहायता फाउंडेशन परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है, और तुरंत भाई जैसे हमने मैसेज डाला बढ़ चढ़ योगदान आने लगा, और आज फाउंडेशन की टीम की तरफ से इतना सारा कुछ राशन आया है, और अब हम जा रहे हैं उस परिवार में राशन देने के लिए। और इसके पहले आप वीडियो देखना कि हम लोगों ने कैसे राशन खरीदा, सब्जी है, क्या क्या सामान है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आप ही ऐसे परिवार की मदद करते रहना। जय हिंद। तो दोस्तों माता जी के लिए सामान ले लिया है, जैसा कि आपको मैंने बताया था उस परिवार की कंडीशन, और अभी हम दुकान पर हैं, आपको दिखाते हैं, पर्चा भी है और सामने सामान भी रखा है, आपको दिखाते हैं इसमें सामान में क्या क्या है, और आप देख लीजिए कुछ सिवा बताएंगे इसमें सामान क्या क्या है, सिवा बताओ इसमें क्या क्या है। ये 10 किलो आलू है, 1 केजी दाल है, 1 केजी तेल है, और पूरा सब्जी का सामान है, पूरा मसाला है, बच्चों के लिए बिस्किट है, ये है सारा सामान उस परिवार के लिए जो हम लोगों ने अभी दुकान से लिया है। ओके ओके चलते हैं फिर उस परिवार में, सब सारा सामान है, सब कुछ है, धनिया भी है और आलू भी है, ये क्या है, ये कदुआ भी, लौकी भी, सारा सब कुछ सामान है परिवार के लिए। हम चलते हैं, जैसा कि आपको मैंने दिखाया है, और आटा भी है, चावल भी है, और वो दुकान पे रखा है, आप वहाँ पर भी चलते हैं आटा चावल लेकर उस परिवार में आपको देते हैं, दिखाते भी हैं पूरी कंडीशन वहाँ की। ये आपका जाना दो, ये आटा है आपका ठीक, अभी इतना है हमारे लाइन की आटा बेकार भी ना बरसात में, ये आपका इतना आटा मिल गया है, और आप आ जाइए, ये भाई की तरफ से ये आपके लिए साड़ी है ठीक है, खुश हो गए नहीं अब, चलो खुश रहो, हम लोग भाई आपके ठीक है ना। और ये आप देखिए दाल है, और ये आपका 10 किलो ये है आलू आलू ठीक, और ये आपकी लौकी है, ये पूरी ये सब्जी पूरी, ये भी आपकी लौकी है, ये मां मिर्चा टमाटर प्याज सब कुछ है सारा ठीक है ना, सब्जी का पूरा सामान, और ये तेल है, ये तेल है ना बोल भाई, तेल ना रहेगा कुछ ना है, काटे काल है काल है कि चले बना, चलो कुछ ना, लेकिन भगवान भेज देंगे नहीं भेज देंगे, आ रे सब लोग यहां, आ आ आ, ये जो ये कैमरा लगा है ना, ये फाउंडेशन हम लोगों का एक परिवार है, तो ये फाउंडेशन के सब लोग देखा थे, यही सब मदद करते, हम लोग नहीं करते, बस हम लोग एक जरिया है आप लोगों तक सामान पहुंचाना है ना, तो सबका आशीर्वाद हो, तो खुश रहो, ये सामान है, गुटखा खाती हो लेकिन तुम मसाला ना खाओ करो, महंगा है, 5000 रुपए किलो है, ये का है मूली, आ इधर आ जा, ये सब मसाला है आपका, सब्जी का सामान, बिस्किट है बच्चों के, ठीक इसमें रखो, तुम्हें सबके लिए बिस्किट लाए, ला एक एक बिस्किट दे यार, अरे तुम यहाँ आओ, बहुत मुस्कुरा रही हो, चल रहे पक्ति का, हाँ हाँ ना चले पक्ति ना, चले कपड़ा पड़ा सब बेच दे यार, यार तकलीफ तुम का नहीं पाया यार, लो सबके लिए बिस्किट है, अभी हमका अपने हमारे माता जी का चप्पा जी चल ले लो, इधर देखो ये आपका पूरा सब्जी का सामान, ठीक ये आपका पूरा राशन है, इसमें गेहूं भी है, गेहूं इसमें गेहूं है, थोड़ा चावल चावल है ठीक है ना, खुश हो गए, सरकारी स्कूल में करवा दो, तो आंगनबाड़ी में कुछ मिलता है इन लोगों का, कौन है आंगनबाड़ी बेलसी का,
अरे वही ना कहा मुंडा के अलग होते हैं और तुम्हारा क्या है? हमें मुंडा राशन कार्ड बनाएगा। चलो हम कल गेरन कोटे दार किया राशन, कल गेरन राशन अब जाओ उठाओ और ज्यादा राशन पकड़ ले बेटिया इनका, पहले से तुमका ज्यादा राशन मिले ठीक है ना। देखो आंगनबाड़ी के तहत कुछ आवत है महीने का पैकेट तो छोटा है इनके लिए, जरूर आवत है इन लोगों के लिए। हम बात करेंगे, ये सब कुछ सामान है देख लो आवत है ना, सारा सामान आया है ना, ये फाउंडेशन की तरफ से आया है सामान, मतलब हम लोगों का जो पूरा दिखाई पड़ कितना सामान आया कितना नहीं आया बता दो। तुम लोग खुश हो कि नहीं हो बता दो, खुश हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब बताओ सबका आशीर्वाद दो ठीक है। तो चलो ठीक है, हाँ तुम ही अभी खड़ी हो आ जाओ, तो सब लोग ऐसे ही अपन फर्ज निभाओ और ऐसे ही मजा करो मस्त करो ठीक है ना बच्चा लोग। और कपड़ा वपड़ा तुम लोगों के सही रहेंगे ना, रहे जो मिले रहे ठीक रहे ना ठीक है। तो भाई बस मंदिर पहुँच गए और दर्शन करते हैं बालाजी के, और उसके बाद फिर आपको एक रियल स्टोरी बताते हैं, ज़रूर सुनना। पहले बालाजी के दर्शन करते हैं और ये है अपना टीकादास धाम, और इतना सब कुछ काम इतना हो चुका है और अंदर चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। बहुत ही सिद्ध धाम है, आज मंगलवार का दिन है और यहाँ पे इतना काम हो चुका है और भाई यहाँ पे बहुत अच्छा बनेगा हमको लगता है। ये है सबसे बड़ा घंटा, जय हो बालाजी की। भाई मंगलवार के दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है टीकादास धाम में, सबका प्रभु कल्याण करो। और आपको भी बालाजी के दर्शन कराते हैं, जैसे मंदिर के अंदर पहुँचते हैं बाबा के आपको दर्शन कराते हैं, उसके बाद जय हो टीकादास धाम की हो, जय हो, जय हो टीकादास धाम की, जय हो वहाँ की सरकार की, जय हो, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो कल्याण करो प्रभु, जय जय सीताराम बाबा सीताराम, जय हो प्रभु की, जय हो बालाजी महाराज टीकादास धाम महाराज की, जय हो, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो रक्षा करो कल्याण करो प्रभु, जय हो बाबा गुरुदेव महाराज की, जय हो, जय जय श्री राम, जय हो प्रभु की, जय हो, जय हो माता रानी की, जय हो, जय हो भोलेनाथ की, जय हो। भाई टीकादास धाम, ये टीकादास मंदिर, और इसके पीछे देखो व्यू कितना प्यारा है, और सामने देखो नदी कितनी ज़्यादा भाई बरसात के कारण भर गई है। देखो और क्राफ पर आपको दिखाएं, ये देखो भाई कितनी ज़्यादा भर गई है, और बैठने के लिए वो स्थान, और सामने भी जंगल, कितना प्यारा भाई व्यू लग रहा है। और चलते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ भाई बाहर का नज़ारा बहुत ही, काफ़ी बड़ा मंदिर है और यहाँ का दृश्य बहुत ही बढ़िया है, और चलते दर्शन करने के बाद फिर मिलते हैं। और दोस्तों बालाजी के दर्शन भी हो गए हैं, और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यार पूरा भाई वीडियो एंड तक देखना, और मैं आपको एक रियल स्टोरी बताना चाहता हूँ भाई। सच में जैसे हम लोगों ने वहाँ पर राशन दिया तो तैसे माता जी इतना मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, सोचो कि जिसके घर में खाने का ना हो और उसके घर में इतना सब कुछ सामान पहुँच जाता है तो कैसी खुशहाली पहुँचे। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप भी ऐसे ही परिवार की मदद करें या जो मदद के लायक हो यार, भाई अपना कर्तव्य निभाओ भाई। पता नहीं 2-20 सेकेंड या 10 सेकेंड पता कब तक की ज़िंदगी मिली यार, पता नहीं कल रहें या ना रहें, है कि नहीं। अगर जब तक हो तब तक अच्छे काम करते रहो, किसी को परेशान मत करो, और बस ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहो दोस्तों। और जो ये फाउंडेशन का टीम है, ये पूरा परिवार के पूरे फाउंडेशन की टीम की तरफ से ही मदद होता है दोस्तों। अब ये मत कभी गलत में सोच लेना कि इसे पर्सनली हम ही लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते, पूरी एक सहायता फाउंडेशन की टीम है। हाँ बस इतना है कि हम लोग बस आगे चल के इतना काम करते हैं। हाँ तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो को आप लोग सपोर्ट करें, और भाई यार नए हो तो यार खासकर गाँव के माखी को यार सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल को यार भाई, इस बेल आइकन को दबा दो, और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और फिर कहते हैं लास्ट में ऐसे ही परिवार की आप भी मदद करो। जय हिंद, वंदे मातरम।